हाय फ्रेंड्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज आप सबको बताने जा रहे हैं कि फ्लाइट का टिकट कैसे चेक कर सकते हैं सीएससी से। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा लॉगिन कर लेना है। हमने लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कर सबसे बताइए, अब यहाँ पे देखिए ट्रेवलिंग पे क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लाइट टिकट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे आपको देखिए जिस स्टेशन से आपको जाना है वहाँ पे स्टेशन का नाम डालेंगे। आपको जहाँ पे जाना है वहाँ का सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको किस तारीख को जाना है उसे तारीख सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना टाइमिंग मॉर्निंग सुबह आफ्टर या एनी टाइम। अब यहाँ पे देखिए एक लोग का या दो लोग का, एक लोग का ही करेंगे। रेगुलर करना चाहते हैं या स्टूडेंट फेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यह सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ फ्लाइट सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लीज वेट लिख रहा है, बनारस से हमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना है दिल्ली। हमने 28 तारीख का सर्च किया है तो 18 तारीख दिया है, और यहाँ पे एक लोग का है तो एक लोग का हम सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया, सब स्टेशन यहाँ पे दे दिया है कितना है, कितना खाली है, क्या कैसे। अब यहाँ देखिए बनारस के लिए तो इंडिगो का है, गो फास्ट का है, इंडिगो का है, हमें इंडिगो का चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 16:40 पे लिखा है, दिल्ली 18:50 पे छोड़ देगा। इसका किराया है 13,513 रुपये, और ये गो फास्ट का है 16,474 रुपये। उसके बाद फिर इंडिगो का है 12 बजे से, आपको जो 12 से 4 है 2 बजे तक है। अब यहाँ पे देखिए हमें बुक करना है तो बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल किराया बताया हुआ है 16,663 रुपये। यहाँ पे टाइटल में अपना नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जेंडर जो भी है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, फिर एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 kg तक आप ले जा सकते हैं, चेक इन फॉर 25 kg तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब लिखा गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ डाल सकते हैं किस चीज़ के लिए क्या कुछ। कैंसिल करेंगे तो आपको 3,500 रुपये लगेगा, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे आप ट्रेन कट कर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, फ्लाइट का टिकट ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें।